नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और छठ की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है, हालांकि बहुत कम समय मिला है, इसलिए कि कल सरकार ने जाकर गाइडलाइंस में फिर से चेंज किया है और अनुमति दिया है कि अब छठ नदी के किनारे और तालाबों में मना सकते हैं। वैसे में प्रशासन के समय काफ़ी 24 घंटे की ही टाइम है जो कि वो अपनी तैयारियाँ कर सके। और इसी को देखते हुए जो है आज यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरी जो है प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर उतरी हुई साफ सफाई को लेकर, लेकिन क्या तैयारियाँ हो पाएंगी या कहाँ तक ये लोग कर पाएंगे इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ JNAC के जो है वो सिटी मैनेजर हैं, साफ़ सफाई की व्यवस्था देखते हैं और कानून व्यवस्था और तमाम चीज़ें देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। सफाई की क्या हालात है, सुबह से आप लोग लगे हैं, कितनी घाट तैयार हो पाएगी? अभी सफाई का जो हालत है आप देख रहे हैं कि लगातार जो है विसर्जन लोग अभी भी कर रहे हैं, तो हम लगातार जो है सफाई कर रहे हैं तो लगातार गंदगी भी हो रही है, लेकिन हम लोग का टारगेट है कि जितने भी घाट हैं वो हम लोग कल दोपहर 2 बजे तक सारा सफाई कर लेंगे, क्योंकि विसर्जन लगता है कि आज के बाद फिर नहीं होगा लोगों के द्वारा, तो हम लोग फिर वन साइडेड अपना सफाई पूरा कर लेंगे। हम लोग अलग अलग जगह यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि कुंड बनवा दिए हैं, जो पूजन सामग्री है वो यहाँ लोग डाल दें ताकि सफाई में थोड़ी आसानी हो। नदी में अगर पूरा फेंक देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और इस बार समय चूँकि कम मिला है इसलिए लोगों से हमारी यही अपील हो रही है, लगातार हम लोगों को समझा रहे हैं कि वो जो विसर्जन कुंड है उसमें पूजन सामग्री को डालें। आप लगातार लगे हुए हैं कि लोग गंदगी ना फैलाएं। देखिए, आस्था से स्वच्छता जमशेदपुर नोटिफाइड का एक संदेश है और इसको हैशटैग करके दिया भी जा रहा है हमने सोशल माध्यम से, और हम लोगों से अपील जो कर रहे हैं, हमारे टीम जो मांग रही है कि आप जो हम कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग भी दें, और गंदगी फैलाने वाले या जो अभी विसर्जन करने आ रहे हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप नदी में विसर्जन न करके बस जो पूजा करना है पूजा करके जो हमारा सुरक्षित स्थान बनाया हुआ है कुंड उसमें डाल दें, ताकि हमारे सफाई कर्मी को ज़्यादा और मेहनत ना करना पड़े, वरना यही होगा, एक तरफ से गंदगी आते जा रही है दूसरी तरफ से साफ करते हैं, तो ये तो लुका छुपी की हो। दूसरी दिक्कत ये रहती है कि हर साल आप लोगों के सामने चुनौती रहती है घाटों का छेका छेकी ना हो सके, मतलब जो आए और पहले, तो इस बार क्या वो भी दिक्कत अभी? कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो उनकी अपनी एक सोच है जिसको बदलना उन थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन वैसे लोगों को हम प्रयास करते हैं कि जो भी बांस वगैरह लगाते हैं, मार्किंग करते हैं, पत्थर वगैरह लगाते हैं, उनको हम हटा देते हैं, और जैसा भी हमें कुछ देर पहले भी यहाँ से हटाया है, काफ़ी बांस वगैरह लगाए हुए थे तो उनको हटा दिया, ताकि ये लोग में जा सके संदेश कि यहाँ पर घाट छेकना मुमकिन नहीं है, उसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। लगातार जो है लोग आ रहे हैं और अभी भी जो है विसर्जन कर रहे हैं, और आपके वॉलंटियर्स वो लगे हुए हैं कि इनको रोका जा सके ताकि गंदगी ना हो पाए। अभी देख सकते हैं कि नदी का आधा भाग या सोनरेखा घाट पर भी हम लोग मौजूद हैं, इसमें आधा से थोड़ा सा कम भाग में हमने सफाई कर चुका है, और लोगों का क्या कि ये सबसे बड़ा नदी घाट है तो लोग कहीं भी आकर के विसर्जन कर दे रहे हैं, तो हमारे जो वॉलंटियर हैं सफाई कर्मी हैं वो लोग लगे हुए कि एक जिस भाग में अभी सफाई नहीं हो पाया वहाँ पर जाकर विसर्जन करें, ताकि हम उसको समुचित व्यवस्था से सफाई कर सकें। दिक्कत ये है कि आप लोग साफ सफाई के लिए बैरिकेटिंग के लिए क्या करेंगे, इसलिए कि इस बार तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना उसके साथ जो है छूट, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व है और इसमें 1-to-1 और करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और लोगों से जो सरकार अपील कर रही है, जिला प्रशासन भी अपील कर रही है, अब मुझे लगता है कि लोग समझदार हो चुके हैं और आस्था जहाँ है वहाँ स्वच्छता है, अस्वस्थता जहाँ होती है वहाँ लोग डिस्टेंस वैसे भी मान गए, और छठ इतना महापर्व जिसको बोलते हैं जहाँ लोग ऐसे भी सटते नहीं हैं, जो व्रती होते हैं उनसे दूर रहते हैं, उनसे सटते नहीं हैं, उनको सिर्फ एक आस्था के रूप में उनको मानते हैं, उनको भगवान के रूप में देखते हैं, तो हम इसको एक बहुत अच्छी तरह से मैसेज ले सकते हैं ताकि यहाँ से कोरोना 100% चला जाए। तो बैरिकेटिंग के लिए क्या करेंगे? हाँ, बैरिकेटिंग जो खतरनाक जो लेवल है वहाँ हम लोग मार्किंग करेंगे, और वो बैलून और बॉल से वो मार्किंग हो जाती है रेड से, ताकि लोग उस लाइन से आगे ना जाएं, वो भी हम लोग कल शाम तक कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एक तरफ सफाई हो रही है, दूसरी तरफ अभी भी लोग विसर्जन के लिए आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है लोगों को समझाना कि जिधर सफाई हो उसे फिर से जो है आप उसे गंदा ना करें, और पूजन की जो सामग्री है उसके लिए जगह जगह पर कुंड बनाया गया है उसमें आप डाल दें, फिर जो है उसे वहाँ से जो है उसको जो है डंपिंग चाहे जहाँ भी है लिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल छठों घाट को लेकर गंदगी ना की जाए, और चुनौती है कि इन 24 घंटा में इन घाटों को तैयार करना। अपने सहयोगी आशीष के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।